नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। तो जिन प्रश्नों की हम बात करेंगे, चलिए उनको देख लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि अजंता गुफाओं के जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित हैं। ठीक है, तो अजंता गुफाओं के जैसी गुफाएं हैं और यह मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित हैं, यह हमें बताना है। ऑप्शन ए बाघ, जो कि धार में है। ऑप्शन बी उदयगिरी, जो कि विदिशा में है। ऑप्शन सी मांडू और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, बाघ की गुफाएं जो कि धार में स्थित है। ठीक है, तो किसके सिमिलर हैं? ये अजंता गुफाओं के सिमिलर हैं और इनको हम बाघ की गुफाएं बोलते हैं, जो कि धार जिले में स्थित हैं और मध्य प्रदेश राज्य के धार जिले में है स्थित हैं। आगे बढ़ेंगे। जो हमारा दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, किस विश्वविद्यालय का? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक और किसे किस गुप्त शासक को माना जाता है, यह हमें बताना है। इसके लिए जो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है समुद्रगुप्त को, ऑप्शन नंबर बी है स्कंदगुप्त को, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रगुप्त को और ऑप्शन नंबर डी है कुमारगुप्त प्रथम को। तो इसका जो सही आंसर है वह है कुमारगुप्त प्रथम को। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक है, संस्थापक माना जाता है गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि कालिदास की कृषकृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है। ठीक है, कालिदास की हमें उस कृति का नाम बताना है जिसकी गिनती विश्व में होती है और विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है। ऑप्शन ए ऋतुसंहार, ऑप्शन बी मेघदूतम, ऑप्शन सी अभिज्ञान शाकुंतलम और ऑप्शन डी कुमार संभवम। ठीक है, तो ये चारों के चारों जो दिए गए हैं साहित्यिक कृति दी गई हैं, ये चारों के चारों कृति किसकी हैं? ये कालिदास द्वारा रचित की गई हैं। लेकिन इन चारों में भी जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है, जिसमें लिखा है अभिज्ञान शाकुंतलम, यह विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में इसकी गिनती होती है और लगभग विश्व की सभी भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। ठीक है, तो कालिदास की कृति है अभिज्ञान शाकुंतलम और यही है जो कि विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में इसकी गिनती होती है। हर भाषा में इसका लगभग अनुवाद हो चुका है। इसके अलावा ऋतुसंहार, मेघदूतम, कुमार संभवम, ये सभी रचनाएं भी कालिदास की हैं। आगे बढ़ेंगे कि मिहिरकुल, ठीक है, क्या नाम है? मिहिरकुल का संबंध किस वंश से था? ठीक है, मिहिरकुल का संबंध हमें बताना है कि मिहिरकुल का संबंध किस वंश से था। इसके लिए ऑप्शन ए है गुप्त वंश, ऑप्शन बी है हूण वंश, ऑप्शन सी है कुषाण वंश और ऑप्शन डी है मौखरी वंश। तो इसका जो सही आंसर है वह है हूण वंश। ठीक है, तो जो मिहिरकुल था यह किस वंश का था? यह हूण वंश का था। अब हूण वंश की स्थापना किसने की थी? तो हूण वंश की स्थापना की थी तोरामन ने। किसने की थी? तोरामन ने। और तोरामन का पुत्र ही था कौन? मिहिरकुल। तो यह आपको याद रखना है कि मिहिरकुल के पिताजी कौन थे? तोरामन थे। और तोरामन कौन थे? तोरामन थे जिन्होंने की एक जो इसकी हूण वंश की स्थापना की थी। तो यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? कहाँ की? थानेश्वर। थानेश्वर कहाँ है? तो थानेश्वर वर्तमान में है हरियाणा में। और यहाँ पर वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी, यह हमें बताना है। इसके लिए ऑप्शन ए है राजवर्धन, ऑप्शन बी है आदित्य वर्धन, ऑप्शन सी है पुष्यभूति वर्धन और ऑप्शन डी है नरवर्धन। तो इसका जो सही आंसर है वह है पुष्यभूति वर्धन। ठीक है, तो थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की जो स्थापना की थी वह की थी पुष्यभूति वर्धन ने। ठीक है, अब कब की थी? यह स्थापना हुई थी 6ठी शताब्दी में। कब हुई थी? 6ठी शताब्दी में है स्थापना हुई थी। और हरियाणा, हरियाणा में है एक अम्बाला जिला और अम्बाला जिला में है थानेश्वर नामक स्थान। तो यहाँ पर गुप्त वंश के पतन के बाद पुष्यभूति वर्धन ने वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना की थी। आगे बढ़ेंगे
कि किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है यह हमें बताना है। इसके लिए ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी है स्कंदगुप्त और ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। तो इसका जो सही आंसर है वह है हर्षवर्धन। ठीक है, तो हर्षवर्धन को हम द्वितीय अशोक के नाम से जानते हैं क्योंकि जो कार्य अशोक ने किए थे वैसे ही सिमिलर कार्य ही हर्षवर्धन के द्वारा किए गए, इसलिए इनको उपाधि दी गई कि यह द्वितीय अशोक हैं। आगे बढ़ेंगे कि हर्षवर्धन की बहन राजश्री, ठीक है, हर्षवर्धन की बहन कौन थी, राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए शक शासक रुद्रदामन से, ऑप्शन बी मौखरी नरेश गृहवर्मन से, ऑप्शन सी बाकाटक नरेश बिंधशक्ति से और ऑप्शन डी मैत्रक नरेश भाटार्क से। तो इसका जो सही आंसर है वह है मौखरी नरेश गृहवर्मन से। ठीक है, तो हर्षवर्धन के पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन, माता का नाम था यशोमती, इनके बड़े भाई का नाम था राज्यवर्धन और बहन का नाम था राजश्री। ठीक है, और राजश्री का विवाह हुआ था गृहवर्मन के साथ, तो गृहवर्मन हो गए हर्षवर्धन के बहन हुई। आगे बढ़ेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय है या किस लिए विश्व प्रसिद्ध था यह हमें बताना है। इसके लिए ऑप्शन ए है चिकित्सा विज्ञान, ऑप्शन बी है तर्कशास्त्र, ऑप्शन सी है बौद्ध धर्म दर्शन और ऑप्शन डी है रसायन विज्ञान। तो इसका जो सही आंसर है वह है बौद्ध धर्म दर्शन। ठीक है, तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है यह बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। आगे बढ़ेंगे कि प्राचीन भारत में कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। ठीक है, क्या हमें बताना है कि कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था, यही आपको याद रखना है कि नहीं था बताना है। इसके लिए ऑप्शन ए है तक्षशिला, ऑप्शन बी है विक्रमशिला, ऑप्शन सी है नालंदा और ऑप्शन डी है कौशाम्बी। तो इसका जो सही आंसर है वह है कौशाम्बी। ठीक है, जो कौशाम्बी है वह विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था, जबकि तक्षशिला विक्रमशिला और नालंदा यह तीनों के तीनों विद्या अध्ययन के क्या थे, विश्व प्रसिद्ध केंद्र थे। आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से शून्य की खोज किसने की थी। ठीक है, शून्य यानी जीरो की खोज किसने की थी यह हमें बताना है। इसलिए इसके लिए ऑप्शन ए है बाणभट्ट, ऑप्शन बी है बराह मिहिर, ऑप्शन सी है हरिसेन और ऑप्शन डी है आर्यभट्ट। तो इसका जो सही आंसर है वह है आर्यभट्ट। ठीक है, तो शून्य की खोज किसने की थी, आर्यभट्ट ने, जिसको हम बोलते हैं ZERO यानी जीरो। ठीक है, तो जीरो की यार जो खोज की थी वह की थी आर्यभट्ट ने, तो यह आपको याद रखना है। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।